अब हम विष्णु सहस्त्री नाम के श्लोक छियासी का उच्चारण और हिंदी अर्थ देखेंगे पहला चरण आधा स ई नहीं करना है आधे स को त के साथ स्त, स्त व आधा य पूरी के साथ व्य इस श्लोक में बहुत अच्छे से ध्यान रखना है जैसे आपने ब्रमण्यों श्लोक नंबर तेयासी देखा श्लोक नंबर चौरासी देखा था उसमें भी ब्रह्म ब्रह्म शब्द आ रहा था वैसे ही यहाँ पर जो शब्द आएगा हर जगह पर आपको उसका उच्चारण ई के बिना करना है कैसे स्तव्य स्तव्य य में अ की मात्रा इसलिए विसर्ग को पढ़ना है ह स्व्य वापस आधा से पूरी के साथ स्त व पूरा स्तव प्री प्र का अर्थ होता है प आधा और र पूरा यहाँ पूरी र पर ई की मात्रा लग जाएगी पी आर आई प्री य में प्रिय अ की मात्रा है इसलिए विसर्ग को पढ़ेंगे ह आधा आधा स तो के साथ स्तो अत्र प्रिया अनुस्वार आधा स्तोत्रम पहला चरण रिपीट स्तव्य स्तव प्रिय स्तोत्रम दूसरा चरण आदा से तू के साथ स्तू और ती ती पे ई की मात्रा इसलिए विसर्ग को पढ़ेंगे ही स्तुति ही। वापस आदा से तो के साथ स्तोता रण दोनों अक्षर पूरे हैं दोनों में अमिक्स होगा रण रण नहीं पढ़ना है रण प्रिय ये शब्द अपने पहले चरण में भी क्लियर देखा प्रिय का अर्थ पी आर आई और य में अमिक्स करना प्रिय अ की मात्रा इसलिए विसर्ग को पढ़ना है प्रिय रण प्रिय दूसरा चरण रिपीट स्तोता रणा प्रिया हा। पहला और दूसरा चरण साथ में स्तव स्तुति स्तोता रण प्रिय तीसरा चरण पु बड़ी मात्रा है लंबा खींचना और अण पे जो आधार है उसको पू के साथ पढ़ना है पूर्ण ण में अमिक्स क्या पूर्ण अ की मात्रा इसलिए विसर्ग को पढ़ेंगे पूर्ण हूर्ण वापस पू बड़ी मात्रा लंबा खींचना है और रिक्स करना है पूरा य पे ई की मात्रा नहीं करना है ई है पूरा वापस पू के साथ आधा अण पूर्ण्य य में अमिक्स क्या पूर्ण्य मात्रा इसलिए विसर्ग को पढ़ना है हूण्य तीसरा चरण रिपीट पूर्ण पूरा पुण्य चौथा चरण वापस पुण्य शब्द आया है यहाँ पर विसर्ग नहीं है पू के साथ आधा अण पूर्ण और में अमिक्स करना है पुण्य पूर्ण, की बड़ी मात्रा लंबा खींचना है और ती पर जो आधा रह है उसको की के साथ पढ़ना है कीर्ति कीर्ति रिक्स करना है रना म य दोनों अक्षर पूरे दोनों में अमिक्स करना है रना म य में अ की मात्रा से विसर्ग को पढ़ना है ह रना म य चौथा चरण रिपीट पुण्य कीर्ति रना म य तीसरा और चौथा चरण साथ में पूर्ण पूरयिता पुण्य पुण्य कीर्ति रना म य पूरे श्लोक का उच्चारण एक बार वापस एक साथ पूरा करेंगे स्तव्य स्तव प्रिय स्त्रोत्र स्तुति स्तोताण प्रिय पूर्ण पूरयिता पुण्य पुण्य कीर्ति रनामय आपके जब भी आप उच्चारण करो तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि कब मात्रा छोटी और कब बड़ी है ऑटोमेटिक आपका उच्चारण चेंज होना चाहिए मात्रा बड़ी चाहे जब भी बड़ी है तो उसको लंबा खींचना छोटी हो तो उसको नॉर्मल बोलना है वापस देखेंगे ध्यान से स्तव्य स्तव प्रियोत्रियण्य पुण्य की इसमें जो ये तीसरे चरण में है उसमें भी र में ऑबिक्स करना नहीं भूलना है श्लोक का अर्थ देखते हैं स्तव्य यानी जिनके सबके द्वारा स्तुति किए जाने योग्य स्तवप्रियः यानी स्तुति से प्रसन्न होने वाले स्तोत्रम जिनके द्वारा भगवान के गुण प्रभाव का कीर्तन किया जाए वह स्तोत्र स्तुति ही स्तवन क्रिया स्वरूप मतलब जिसके द्वारा स्तुति जिसे अपन जो आराधना करते हैं ना जिसके लिए जो भगवान की स्तुति बोलते हैं वो स्तुति स्तवन क्रिया स्वरूप स्तोता यानी जो स्तुति करने वाले हैं रण प्रिय युद्ध में प्रेम करने वाले पूर्ण समस्त ज्ञान शक्ति ऐश्वर्य और गुणों से जो परिपूर्ण है पूरा जो अपने भक्त को सब प्रकार से परिपूर्ण करने वाले हैं पूर्ण्यः जो स्मरण मात्र से समस्त पापों का नाश करने वाले पुण्य स्वरूप है पूण्य कीर्ति ही। इसमें जो र पूरा है उसका आधा र क्यों आएगा क्योंकि आधा र जब की कीर्ति का विसर घटेगा कीर्ति ही विसर घटा तो र आधा हो गया और र में जो अमिक्स किया वो आगे का शब्द बन जाएगा अनामय इसलिए यहाँ पर र पूरा है आधा है तो कीर्ति का विसर घटने पर हो गया और र में जो अमिक्स किया वो आगे का शब्द बन जाएगा अनामय पूर्ण कीर्ति ही यानी परम पावन कीर्ति वाले अनामय आंतरिक और बाह्य सब प्रकार की जो व्याधि से रहित है बाह्य व्याधि जो शरीर में आपको बाहर से दिखती है और आंतरिक जो अंदर से बीमारी है वो इन सब से जो रहित है यहाँ भगवान विष्णु के छ उन्यासी नाम से छः नाम पूरे होते हैं एक बार पूरे श्लोक का अर्थ वापस सबके द्वारा स्तुति किए जाने योग्य स्तुति से प्रसन्न होने वाले जिनके द्वारा भगवान के गुण प्रभाव का कीर्तन किया जाता है वो स्तोत्र स्वरूप स्तवन क्रिया स्वरूप स्तुति करने वाले युद्ध में प्रेम करने वाले समस्त ज्ञान शक्ति ऐश्वर्य गुण से जो परिपूर्ण है वे अपने भक्तों को सब प्रकार से परिपूर्ण करने वाले स्मरण मात्र से जो पापों का नाश करने वाले पुण्य स्वरूप हैं परम पावन कीर्ति वाले और आंतरिक और बाह्य सब प्रकार की व्याधियों से रहित हैं अविनाशी सहज सुख राशि हे नाथ हे मेरे नाथ मैं आपको भूलू नहीं नारायण 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 नारायण